मगध प्रमंडल में सुख सुख तो ये तो अच्छा बात रहेगा, उसमें आ रहा आपका फोटो तो समझे मंत्री आप नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बाहुबली और दबंग नेता कहे जाने वाले सुरेंद्र यादव, जिन्हें इस बार महागठबंधन की सरकार में सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, उस मंत्री को इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि पब्लिक में मुझे किन शब्दों का प्रयोग करना है। आपको बताएं कि इस वक्त एक ऐसी वीडियो सामने आई है जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग सुरेंद्र यादव की तरफ से किया गया है जो अशोभनीय है, और ये जो वीडियो है वो इस वक्त सामने आया है, जिसके बाद बीजेपी मजे ले रही है, चुटकी ले रही है, और नीतीश कैबिनेट के मंत्री पर एक बार फिर से बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले जरा इस मंत्री सुरेंद्र यादव की अगर हम बात करें तो अपने बाहुबली और दबंग अंदाज के लिए सुरेंद्र यादव जो है वो जाने जाते हैं। इस बार नीतीश कैबिनेट में सहकारिता विभाग की जो जिम्मेदारी है वो सुरेंद्र यादव को दी गई है, लेकिन कल जब मीडिया से रूबरू हुए मंत्री सुरेंद्र यादव और इस दौरान वो बातचीत कर रहे थे, अपनी बातों को सामने रख रहे थे, और इसी बीच कुछ ऐसा होता है जब सुरेंद्र यादव के करीबी जो है वो उनसे कुछ कहते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, और इसी बीच एक अभद्र शब्द का जो उपयोग है वो मंत्री सुरेंद्र यादव की तरफ से किया जाता है, जिसे हम आपको नहीं सुनवा सकते, लेकिन ये पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। इसके बाद बीजेपी का क्या कुछ कहना है ये भी आपको बताएंगे। गया जिला में जो भी दिक्कत होगा तो ये सारी बात मुख्यमंत्री को बता देंगे, बता भी देंगे और लिखित भी देंगे। जो समस्या है तभी समाधान होगा। काफ़ी लोग जानता है और इस पर इंटरेस्ट नहीं लेता, पर हम इंटरेस्ट लेते हैं। हम नहीं इंटरेस्ट लेते तो हमारा लंबा पारी खेलने का अवसर नहीं पता मिलता। लंबा पारी खेले हैं इंटरेस्ट ले लेकर और फिर हम इंटरेस्ट इस पर रख लिए हैं। आगे और कोई आपके आदेश है कि पूछना है तो बोलिए। मगध प्रमंडल में सुख सुख तो ये तो अच्छा बात रहेगा, उसमें आ रहा आपका फोटो तो समझे मंत्री आप तो बता दें आपको कि इस वीडियो के सामने आने के बाद अब बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने इसी वीडियो को साझा किया है और जमकर नीतीश कैबिनेट के मंत्री सुरेंद्र यादव पर हमलावर नजर आ रहे हैं। निखिल आनंद ने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि सुरेंद्र भाई मंत्री हैं और उनका मंशा ठीक है, इंटरेस्ट भी लेते हैं, इसमें ये जो बुढ़ बकवा आपको सिखा रहा था लाइव पीसी में, बताइए इसको समझ में नहीं आता है कि मंत्री को पब्लिकली ज्ञान नहीं देना चाहिए। मंत्री जी ठीक बोले, फोटो खिंचाओ, लेकिन ऐसे ज्ञान मत दो कि मंत्री को सब डैश समझो, यानी कि ये जो बेहद ही निम्न शब्द है वो मंत्री सुरेंद्र यादव की तरफ से जो है वो बोला गया, जिसका जिक्र तक हम इस खबर में नहीं कर सकते, लेकिन ये वीडियो जो है वो इस वक्त सामने आई है, जिसके बाद नीतीश कैबिनेट के मंत्री सुरेंद्र यादव की जो है वो किरकिरी हो रही है। सवाल एक बार फिर से कि आखिर क्यों इन मंत्रियों को नीतीश कैबिनेट में जगह दी गई है, जिन्हें बोलने तक का सलीका नहीं है कि पब्लिक में उन्हें किस तरह से बात करना है, किन शब्दों का उपयोग करना है, और ये जो बेहद ही घृणित शब्द का उपयोग मंत्री सुरेंद्र यादव की तरफ से किया गया, इसे लेकर अब एक बार फिर से बीजेपी हमलावर नजर आ रही है, और बीजेपी ने यह साफ संदेश दे दिया है कि नीतीश कैबिनेट में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर जो है कई सारे मामले दर्ज तो हैं ही, साथ ही साथ इन मंत्रियों को बोलने का सलीका भी नहीं है, और यही वजह है कि ये वीडियो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे लेकर एक बार फिर से बिहार की राजनीति में बड़ा बवाल देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।